अब खबरें विस्तार से। प्रदेश शिक्षा विभाग में तैनात 2008 से हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन टीजीटी आज तक प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं और इतने साल बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने मेहरबानी नहीं की है, जिसके कारण प्रदेश के करीब 35,000 टीजीटी कर्मचारियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हमीरपुर में उपायुक्त हरकेश मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टीजीटी संघ ने ज्ञापन भेजा। प्रदेश शिक्षा विभाग में तैनात 2008 से हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन टीजीटी आज तक प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं और इतने साल बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने मेहरबानी नहीं की है, जिसके कारण प्रदेश के करीब 35,000 टीजीटी कर्मचारियों में गहरा रोष पनपा हुआ है। हमीरपुर में उपायुक्त हरकेश मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टीजीटी संघ ने ज्ञापन भेजा। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में दर्जनों टीजीटी कर्मचारियों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। मुख्य मांग में बैच वाइज नियुक्त अनुबंध से नियमित कर्मचारियों के अनुबंध की नियुक्ति की, तिथि से वरिष्ठता देने के साथ अनुबंध काल को कुल सेवा काल से जोड़ने की भी मांग की गई। कम्युनिकेशन हुआ है। कम्युनिकेशन सरकार ने ये बात बोली थी, हमारी इससे पहले ऊना में हुआ था, शिमला में हुआ था, और जब पिछले साल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो हमने एक मेमोरेंडम जो है मुख्यमंत्री जी को रात को 11 बजे सर्किट हाउस हमीरपुर में दिया, तो वहाँ भी उन्होंने हमारी बात बड़े प्यार से सुनी और प्यार से सुनने के बाद उन्होंने हमें कहा कि हम आपके जो मामला है ये हमारे ध्यान आकर्षक है। और ऊना में जो अभी तीन महीने पहले शिक्षक महासंघ का सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी को स्टेट हमारी गई थी वहाँ पे, और जब स्टेट वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे स्टेट के मेंबर्स ने वहाँ पर मेमोरेंडम दिया, तो वहाँ स्टेट के मेमोरेंडम देने के बाद मुख्यमंत्री ने ऑन स्टेज वहाँ पर बात की और ऑन स्टेज से उन्होंने कहा कि ये जो सीनियोरिटी का जो मैटर है ये हमारे ध्यान में है और इसको हम जल्दी से जल्दी जो है, बहुत से डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारा PWD है, IPH है, एजुकेशन है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये थोड़ा सा पेचीदा सा मसला है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको बता दें कि टीजीटी की 2008 से बैच वाइज हुई भर्ती में सेवाएं दे रहे हजारों टीजीटी प्रमोशन के लिए राह देख रहे हैं, जबकि 2009 में JVT रेगुलर भी 2014 में टीजीटी पदोन्नत हुए हैं। वहीं एक ही विभाग में एक ही पद पर 7 सालों तक कार्यरत अनुबंध नियमित कर्मचारी अपने ही जूनियर कर्मचारी से जूनियर हो गया है। जूनियर कर्मचारी अनुबंध कर्मचारियों से पहले पदोन्नति का लाभ ले रहे हैं, जिसके कारण अनुबंध कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि हमीरपुर में उपायुक्त हरकेश मीणा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टीजीटी संघ ने ज्ञापन भेजा है और टीजीटी की 2008 से बैच वाइज हुई भर्ती में सेवाएं दे रहे हजारों टीजीटी प्रमोशन के लिए राह देख रहे हैं, जबकि 2009 में JVT रेगुलर भी 2014 में टीजीटी पदोन्नत हुए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह की अपनाई जा रही दोहरी नीति से हजारों कर्मचारी परेशानी के दौरे में हैं। मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, ये हमारा मेमोरेंडम जो है ये सीनियोरिटी के कंसर्न में है। 2008-09 के बाद जितने भी एम्प्लॉइज लगे हैं वो कोई 8 साल के बाद, कोई 6 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद रेगुलर हुआ है, तो उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटी है, जिस डिस्पैरिटी की वजह से है एम्प्लॉइयों में थोड़ा सा रोष है और इसकी वजह से जो है जो एम्प्लॉइयों को जो है वो प्रमोशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये सीनियोरिटी का जो है हमारी डिमांड है कि हमें जो है वो सीनियोरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से दी जाए। जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, अगर हमारी अपॉइंटमेंट 2008 में हुई है या 2009 में हुई है, 2010 में हुई है या 14 या 15 में हुई है और RNP के अंतर्गत, ये सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ये सारे रिक्रूटमेंट है प्रमोशन रूल्स 1972 के अंदर आए हैं, RNP के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, इन सब की यही डिमांड है कि हमें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियोरिटी दी जाए।